ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो बेसिकली हमें लीस्ट नंबर यानी एलसीएम निकालना है। किस चीज़ का एलसीएम निकालना है? 1 से 10 तक के नंबर, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते हुए जो 10 तक नंबर है उनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का क्या, पहले तो इन सबको आपको प्राइम फैक्टराइज करना है। तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 को कैसे करेंगे 1 into 2, 3 को कैसे करेंगे 1 into 3, 4 को कैसे करेंगे 2 का स्क्वायर into 1, 5 को कैसे करेंगे 1 into 5, 6 को कैसे करेंगे, 1 तो क्या सब में होगा, 6 को कैसे करेंगे 2 into 3 into 1, 7 को कैसे करेंगे 1 into 7, 8 को कैसे करेंगे 1 into 2 का क्यूब, सिमिलरली 9 को कैसे करेंगे 1 into 3 का स्क्वायर, और सिमिलरली 10 को कैसे करेंगे 1 into 2 into 5। तो इन सबको मैंने ऐसे प्राइम फैक्टराइज कर दिया। तो एलसीएम निकालने का हमारा प्रोसेस क्या होता है, देखो जी ये हमारे नंबर है। तो एलसीएम निकालने का मैंने प्रोसेस आपको बताया है कि प्रोसेस ये होता है एलसीएम निकालने का कि सबसे पहले जितने भी नंबर प्राइम फैक्टराइज करके आ रहे हैं उन सबको लिख लो। तो क्या क्या आ रहा है, 1 तो सब में आ रहा है, तो ये मैं हटा देता हूँ, 1 तो सब में आ रहा है। पहले तो जितने भी नंबर हैं जो प्राइम फैक्टराइज हुए हैं वो सारे लिख दो। तो 1 सब में आ रहा है 1, उसके बाद 2 देखो ना, 2, 5, 7, 2 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, ये इतने नंबर दिख रहे हैं। उसके बाद जिनकी जो जो बड़ी सबसे बड़ी पावर है वो लिख लो। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कहाँ आ रही है, ये आ रही है 2 की सबसे बड़ी पावर क्यूब, तो क्यूब लिख लो। 3 की सबसे बड़ी पावर कहाँ आ रही है, जैसे देखो यार 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, लेकिन सबसे बड़ी पावर कहाँ है, यहाँ पर है, तो स्क्वायर लिख लो। ऐसे 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 ही है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 ही लिख लो। 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 ही है, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 1 into 2 cube into 3 square into 5 into 7, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो आप खुद कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा डी, यानी 2520। तो बेसिकली एलसीएम लगाया मैंने, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है बट करा हमने सिर्फ एलसीएम ही है। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये एलसीएम निकालना नहीं आ रहा कि बड़ी पावर छोटी पावर, तो मैं फिर बोल रहा हूँ एनसीईआरटी में जाओ और पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर एग्जाम्पलर पे आओ। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका, फिर ये चैप्टर खत्म है एग्जाम्पलर एमसीक्यू का, ठीक है? चलो देखते हैं।